नमस्ते। कमर में लचक आना या स्पाज्म होना, ये हमारे जीवन की गति को लगभग आधा कर देते हैं या उससे भी कम कर देते हैं। कुछ दिनों पहले मैं भी इसी कंडीशन में थी जहां मेरे जीवन की गति भी आधी हो गई थी। अपने जीवन की गति को फिर से सामान्य करने के लिए, उस लचक या स्पाज्म से बाहर आने के लिए जिन तरीकों से मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, उन्हीं तरीकों को मैं आपके साथ में आज शेयर करना चाहूंगी। यही तरीके सारे स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस जैसी तकलीफों में भी आराम देते हैं। जैसे ही आपको लगे कमर में लचक आई है, जो फर्स्ट साइन आपको समझ में आता है, वहीं पर आपको करनी है वायु मुद्रा, जिसमें इंडेक्स फिंगर को थंब के रूट पर लगाया जाता है। ये मुद्रा करके आप किसी भी सीधी सरफेस पर पीठ के बल लेट जाएं। आप चाहें तो घुटनों से पैरों को थोड़ा सा मोड़कर रख सकते हैं ताकि आपकी कमर को पूरा पूरा आराम मिले। जरूरी कामों के अलावा बाकी सारे कामों को पोस्टपोन कर दें। जितने काम हो सकें लेट कर जो आप कर सकते हैं उन्हें लेट कर करें। जिन कामों को आप लेट कर नहीं कर सकते हैं उन्हें स्टैंडिंग या सिटिंग पोजीशन में यदि आपको करना पड़े तो उस वक्त अपनी कमर पर या तो थेरेप्यूटिक बेल्ट बांध कर रखें या एक दुपट्टे को टाइट बांध कर रखें। और जब भी आप बेल्ट या दुपट्टा बांध रहे हैं उस वक्त उस दुपट्टे को लेट कर बांधें, ना कि सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में। स्लीपिंग पोजीशन में बेल्ट बांधने से उसका फायदा ज्यादा होता है। मेरे लाइफ चेंजिंग मुद्राओं के वीडियो में मैंने 6 बेसिक मुद्राएं बताई हुई हैं। उन 6 बेसिक मुद्राओं को तो आपको यहाँ पर डेली 15 मिनट्स प्रैक्टिस करनी ही है। उसके अलावा 2 और मुद्राएं हैं जो ऐसी कंडीशंस में बहुत ज्यादा काम आती है। एक है मेरुदंड मुद्रा, जिसे करने के लिए एक हाथ की फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को आपको अपने थंब के फर्स्ट ज्वाइंट पर लगाना होता है। उसी समय दूसरे हाथ से अपनी मिडिल फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब के टिप को मिलाना होता है। इस तरह से दोनों हाथों से ये अलग अलग मुद्राएं होती हैं और इन्हें कॉम्बिनेशन में कहा जाता है मेरुदंड मुद्रा। ये मुद्रा हमारे स्पाइन की जितनी भी तकलीफें हैं उन सभी तकलीफों में बहुत ज्यादा राहत देती है। इसके अलावा दूसरी मुद्रा है सहज शंख मुद्रा, जिसमें आपको अपनी सारी उंगलियों को इस तरह से इंटरलॉक करना होता है। अंगूठों को खुला रखने के बाद में इस तरह से उसे बंद किया जाता है। ये है सहज शंख मुद्रा। ये भी एक ऐसी मुद्रा है जो हमारे स्पाइन से रिलेटेड जितनी भी तकलीफें हैं उनमें हमें बहुत ज्यादा आराम देती है। अब समझते हैं कि ये लचक आना, स्पाज्म होना, स्लिप डिस्क, इनके कारण क्या हैं। इनके 2 मेन कारण हैं। एक है हमारे खाने पीने की गड़बड़ियों से होने वाले वात, जो हमारे शरीर में पैदा होते हैं। जब हम बहुत ज्यादा वात वाला खाना खाते हैं, वात कारक खाना खाते हैं, उससे हमारे शरीर में वात बढ़ने लगती है। और दूसरा कारण है हमारा गलत पोस्चर, ओवर एक्सरसाइज। इन दोनों तरीकों को रेक्टिफाई करने के लिए अपने खाने पीने में से ऐसी चीजों को निकाल दें जो वात कारक हैं। और ओवर एक्सर्शन या पोस्चर से यदि आपको प्रॉब्लम हुई है तो यहां पर आपकी स्पाइन बोल रही है कि मुझ पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो चुका है, अब मुझे आराम करना है, और आपको वहां पर लेटना ही पड़ता है। और ऐसी कंडीशंस में सिर्फ लेटे रहना, अपनी स्पाइन को पूरी तरह से आराम देना एक वरदान की तरह काम करता है और स्पाइन को डीपली हील करता है। खाने पीने में चेंजेस, मुद्राएं, आराम, इन सब के अलावा कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो आप पीठ पर लेट कर सकें, जो आपके स्पाइन की डीप मसल्स को रिलैक्स कर सकें, जरूर से करें। और इन एक्सरसाइजेस को सीखने के लिए किसी एक्सपर्ट की हेल्प जरूर से लें। अगर आप उन एक्सरसाइजेस को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं जिनसे मुझे अपनी उस तकलीफ में आराम मिला है, तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज के जरिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपनी स्पाइन का ख्याल रखें। एक स्वस्थ लचीली स्पाइन हमारे स्वस्थ जीवन का आधार है। नमस्ते।